सो हे गैस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप म्यूजिक को कैसे छोटे छोटे क्लिप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि जैसे कि आपको कोई म्यूजिक पसंद हो जाता है, कोई गाना आपको पसंद हो जाता है, लेकिन वो गाना आपको पता होता है कि 3 मिनट या 5 मिनट 7 मिनट का इस तरह का मतलब सॉन्ग होता है। अगर उसी सॉन्ग में आपको कोई बीच का स्टेप आपको अच्छा लगे कि ना यार मुझे बीच का स्केप अच्छा लग रहा है, मुझे ये बीच वाला पॉइंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उस गाने को चाहे आप चाहेंगे कि हम अपने मोबाइल में रिंगटोन में सेट करें, तो वहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता रहता है कि उस 5 मिनट सॉन्ग को या 3 मिनट सॉन्ग को हम बीच का पॉइंट जो मुझे ज़रूरत का चीज़ है उन्हें हम कैसे वहाँ से ले, अगर आपको नहीं पता रहता है, अगर आप जैसे कि रिंगटोन में अगर आप सेट करेंगे तो पूरा का पूरा आप गाने को सेट कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक छोटा सा क्लिप करने के बाद, आप छोटा सा स्टेप फॉलो करने के बाद, आप एक बड़े गाने को आप अपने अनुसार छोटा सा क्लिप में बना के और जहाँ मर्जी हो आप वहाँ सेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार का वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, अपना मोबाइल को ओपन करना लेना और मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, क्योंकि आपको इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन का क्या नाम है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो देखते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि यार आप भाई कैसे किए हो सॉन्ग को, छोटा छोटा सा क्लिप सॉन्ग को कट कैसे किए हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने उस ऐप्स को ओपन कर लिया हूँ। जैसे ही आप स्टार्टिंग में जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कलर का सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का आपके मोबाइल में जितना भी सॉन्ग रहेगा उसका फाइल इस तरह का आपके सामने शो कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करके प्ले हेड पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आपका सारा सॉन्ग यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इस पर आपको इस क्लिक करके और यहाँ से जितना भी आपके मोबाइल में ऑडियो सॉन्ग होगा सारा यहाँ पर आ जाएगा। आप मान लीजिए कोई भी सॉन्ग को आप चाहते हो कि मुझे छोटा सा क्लिप चाहिए, जैसे कि ये सॉन्ग का चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस सॉन्ग पे मुझे इसका चाहिए, तो फ्रेंड्स इस पर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे डिलीट के नीचे में कट का एक ऑप्शन देता है। जैसे ही आप कट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाता है कट करने का। आप देखिए, मुझे सॉन्ग यहाँ से लेकर ये हो गया लास्ट और ये हो गया स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक लेना है, तो जो जहाँ से आप स्टार्टिंग लेंगे वहाँ पे ये पीछे वाले को रख देना है। जैसे कि मुझे यहाँ से चाहिए यहाँ तक, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए इतना ही बजेगा और जैसे कि यहाँ से हम ले, तो ये चीज़ हम यहाँ से देखे दोस्तों, मैंने मुझे यहाँ से यहाँ ले लिया, ये बस इतना ही बजेगा, ये ख़त्म हो गया। अब मुझे इस, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई भी सॉन्ग को आप जहाँ से आपको चाहिए वहाँ से आपको ये पीछे वाले को वहाँ ले जाना है, फिर लास्ट वाले को जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ले जाना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे में सही का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करके अगर चाहते हो कोई सॉन्ग का अलग से नाम लिखने के लिए तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं तो यही गाने का जो नाम है वही रख के यहाँ पर सेव कर देना। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में स्टोर ये फाइल में सेव हो गया होगा। अब यहाँ से मैं प्ले करके भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये 4 सेकंड का सॉन्ग मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये दोस्तों आपको इस तरह से सॉन्ग को कट कर लेना और ये आपको फाइल में आपको मिल जाएगा, अच्छी तरह से आपको फाइल में भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, या अदरवाइज आप इसको क्या करोगे यहाँ बैक आके और यहाँ पे आपको पूरी ऑल कर देना है और नीचे में आपका ये सॉन्ग आ जाएगा। प्ले करके मैं आपको दिखा दूँ, सबसे नीचे में जो अभी कट के ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आपको सॉन्ग को कट करके और जहाँ भी आप शेयर करना चाहोगे, यहाँ पे देखिए सेंड का एक ऑप्शन है, जहाँ से भी आप शेयर करना चाहते हो या जहाँ भी लगाना चाहते हो आप उस तरह से सॉन्ग को कट करके छोटा सा क्लिप भी बना सकते हो।